नाउ स्टूडेंट्स वी आर डन विद ऑप्शनलिटी वी आर डन विदिटी तो एट द एंड ऑफ द डे हमने जो बेसिक इक्वेजन थी रिलेशनशिप की आर इज इक्वल टू ओ प्लस सी वो हमने एक्चुअली अब डिस्कस कर लिया सारी की सारी सो वी आर गुड टू गो कि अब हम ये डिस्कस करें कि कितनी तरह के रिलेशनशिप्स हैं तो जस्ट टू स्टार्ट विथ डेटा बेसिस में तीन रिलेशनशिप हम डिस्कस करते हैं आरडी में लेकिन बेसिक दो है बेसिक से मुराद मेरी ये है कि ऐसे रिलेशनशिप जो एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो कि हम लोग करेंगे डायरेक्टली कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं वो दो हैं एक वन टू वन है जो हम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक वन टू मैनी है जो तीसरी तरह का रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी वो रिलेशनशिप तो है लेकिन वो बेसिक नहीं है सो मूविंग फॉर्वर्ड जो वन टू वन का रिलेशनशिप है ये बहुत रेयर तरह का रिलेशनशिप है लेकिन इसको इसको जरा आप लोगों ने जरा इमेजिन करना वन टू वन से मुराद ये है कि एक टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड एक है मतलब ये है कि एक टेबल की प्राइमरी की किसी टेबल में एज अ फॉरन की आ सकती है मतलब हमारे पास दो टेबल हैं हर टेबल की अपनी प्राइमरी की मौजूद है अब किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरन की एक्ट करेगी मतलब एंटिटी ए की प्राइमरी की भी एंटिटी बी में एज अ फॉरन की जा सकती है और एंटिटी बी की प्राइमरी की भी एंटिटी ए में एज अ फॉरन की जा सकती है मतलब ये हमारी मर्जी है दिस इज आवर डिस्क्रिप्शन रीजन बींग दो जो एंटिटीज हैं इनमें कोई पेरेंट चाइल्ड यानी मास्टर डिटेल uh, या पेरेंट चाइल्ड तरह का रिलेशनशिप नहीं है इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लीनियर रिलेशनशिप फ्लैट रिलेशनशिप के दोनों एक ही लेवल के ऊपर है कोई मास्टर डिटेल नहीं है तो ये हमारी मर्जी है किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में हम फॉरन की के तौर पर ले जाएं, तो ये रूल नंबर वन हो गया रूल नंबर टू बड़ा इंटरेस्टिंग uh, है।, है कि जिस भी टेबल की प्राइमरी की को आप दूसरे टेबल में एज अ फॉरन की लेके जाए यानी टेबल ए की प्राइमरी की को टेबल बी में एज अ फॉरन की लेके जाए या टेबल बी की प्राइमरी की को टेबल ए में एज अ फॉरन की लेके आए तो जो फॉरन की होगी ना उसको आपने यूनिक की लाजमी बनाना है ये रूल है अब ये मेरी और आपकी मर्जी नहीं है कि मैं एंटिटी ए की प्राइमरी की को यूनिक की बना दूं या एंटिटी बी की प्राइमरी की को यूनिक की बना दूं ऐसा नहीं है जिस टेबल में फॉरेन की ने आना है वो, वो, वो हमारी मर्जी है लेकिन वंस वी आर डिसाइडेड हमने ये तय कर लिया कि फॉरन की किस टेबल में आएगी उस फॉरन की को हमने यूनिक की बनाना है ये रूल है इसको मैं और आप वॉलेट नहीं कर सकते सो लेट मी गिव यू वन वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ हैविंग वन टू वन रिलेशनशिप सो नाउ स्टूडेंट्स अब ये देखें हमारे पास लेट सपोज एक एंटिटी है डिपार्टमेंट की और लेट सपोज एक एंटिटी है उसके एच की अब हमें यह पता है कि एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो सकता है और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक ही डिपार्टमेंट को बिलोंग करेगा या उसको हेड करेगा इन आइडियल केसेस तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो एच है वो एक ही डिपार्टमेंट को हेड करेगा और डिपार्टमेंट के ऑब्वियसली एच एक ही होगा तो जो ऑप्शनलिटी और कर्डनैलिटी है इस रिलेशनशिप की ट इज वन टू वन रीजन मीनिंग एक डिपार्टमेंट के अंदर लाजमी है कि एक एचओडी हो और वो एक से ज्यादा एच नहीं हो सकते मतलब यहां मैं का साइन नहीं लगा सकता रीजन अगर ग्रेटर साइन लगाऊंगा तो उससे मुरादी होगी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल एचओडी हैं ऐसा नहीं हो सकता और एक एचओडी एक ही डिपार्टमेंट को हेड कर सकता है इसका मतलब है यहां पे भी मल्टीपल का साइन नहीं आ सकता तो ये लीनियर तरह की रिलेशनशिप है कि एक डिपार्टमेंट का एक एच है और एक एच एक ही डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है तो यहाँ मल्टीपल का साइन नहीं है लीनियर है अब हम ये देखते हैं कि डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नंबर और यहां पे एच का एट्रीब्यूट है फॉर एग्जाम्पल एच और ये दोनों अपने अपने टेबल की प्राइमरी की हैं अब हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि या तो मुझे डिपार्टमेंट नंबर को एच ओ डी में एज अ फॉरन की लेके आना पड़ेगा या एच आई डी को डिपार्टमेंट टेबल में एज अ फॉरन की लेके आना पड़ेगा क्योंकि ये वन टू वन का रूल है या जब मैंने दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना है तो आई हैव टू एक्चुअली आइडेंटिफाई फॉरन कीज लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इस एच ओ डी की जो आई डी है एच आई डी उसको यहां पे एज अ फॉरन की लेके आ जाता हूं मैंने इसको फॉरन की बना दिया ये प्राइमरी की का पार्ट नहीं है लेकिन ये ये प्राइमरी की नहीं है लेकिन ये फॉरन की का पार्ट है यानी ये फॉरन की है तो वन टू वन का पहला रूल ये था कि ये आपकी मर्जी है कि, कि किसी एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में अगर फॉरन की ले जाएं तो हम एच आई डी को डिपार्टमेंट टेबल में ले गए दूसरा जो रूल है वो ये था कि जो भी फॉरन की है इसको आपने यूनिक की बनाना है रीजन बहुत सिंपल है डेटा सेट एंटर कर लेते हैं यहां पे वन है यहां वन है टू है अब अगर तो मैंने इसको यूनिक की नहीं बनाया होता तो इससे मुरादी होती कि जो ये HID है जो कि एच का एम्प्लॉय नंबर है वो दो डिपार्टमेंट का पार्ट भी हो सकता है अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारी एजमशन ये है कि एक एच एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को हेड नहीं करेगा तो अगर ये एच आई डी को मैंने यूनिक की नहीं बनाया होता तो ये वन और वन अलाउ हो जाता अब मैंने क्योंकि यूनिक की बना दी है जो वन वन टू का रूल है तो ये इस टू को नहीं एंटर होने देगा वो ये कहेगा कि यूनिक की वॉलेटेड क्योंकि यूनिक की क्या थी कि मल्टीपल रोज में यूनिक की की जो कॉलम है उसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती तो ये यहां पे वन को आने ही नहीं देगा दैट्स वाई इट इज वन टू वन कि एक टेबल कि एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक टेबल के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट दूसरे टेबल में एक ही रिकॉर्ड आ सके द मोमेंट आई ट्राई टू रिपीट दिस रिकॉर्ड और यूनिक ही बनाया हुआ है, तो यह डेटाबेस मुझे अलाउ ही नहीं करेगा दैट वॉज द एसेंस ऑफ वन टू वन तो जस्ट टू रीकैप किसी एक टेबल की प्राइमरी की को किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरन की ले जाए मैंने एच की प्राइमरी की एच को एज अ फॉरन की मैं लेके गया डिपार्टमेंट में और उस फॉरन की को मैंने यूनिक की का पार्ट बना दिया तो ये मेरी वन टू वन की एट द कोडिंग लेवल जब हम कोडिंग करेंगे वन टू वन की इंप्लीमेंटेशन यहां पे कंप्लीट हो जाती है